गाइज ये है पहला मंदिर निधिवन का। तो यहाँ पे जो है कृष्ण जी की मूर्ति जो है वो स्थापित है। एंड यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है। एंड यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं वो मंदिर जहाँ पे राधा कृष्ण जो है रात में उनका बेड सजाया जाता है। तो ये अंकल बता रहे थे, तो आप लोग सुनिए। ये भगवान का रेस्ट रूम, भगवान के लिए आज भी चंदन की लकड़ी का पलंग पड़ा हुआ है, जिससे मैं भगवान राधा रानी राशि लेकर छुट्टी जाती हैं। आज भगवान विश्राम करती है, रेस्ट करती है। पुजारी जब भगवान को शयन करा के जाते हैं, 5:15 को फूलों से पलंग को सजा के जाते हैं। रोज या रात्रि में 4 लड्डू लोटे में जल पान का बीड़ा धातु शंकर का सामान यहाँ रख करके जाते हैं। भगवान तो अंतर जाती है, फिर भी प्रकट हो जाती है। सब सामान को इस्तेमाल करती है, यूज करती है। सुबह मंगला होती है, जो करें मंगला कभी ना हो कंगला। जो मंगला करते हैं आज भी भक्तों को चिन्ह देखने को मिलते हैं। लड्डू फूटे हुए जैसे किसी ने खाए हैं, पानी पिया हुआ लोटे का जो शेष, दातुन की हुई पान का बीड़ा चबाया हुआ, सिंगर का सामान बिखरा हुआ, वो लोग इसलिए दबी हुई। ये सवेरे आजकल 7 बजे होती है जाड़ों में, और गर्मियों में 6 बजे होती है। तो जो मंगला के समय आते हैं उनको आज भी चिन्ह देखने को मिलते हैं। लड्डू फूटे हुए जैसे किसी ने खाए हैं, पानी पिया हुआ लोटे का जो शेष, दातुन की हुई पान का बीड़ा चबाया हुआ, सिंगर का सामान बिखरा हुआ, वो लोग इसलिए दबी हुई जैसे अभी भी कोई सूर्य उठ गया। तो गाइज यही है वो मंदिर। थोड़ी सी क्लिप ले पाई थी एंड उसे देख लिया था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अब आप क्लिप मत लीजिए, यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हरिदास जी की जो मेन मूर्ति है वो स्थापित है। तो यहाँ पे रास्ते में राघव पानी पी रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी जो है लकड़ी तोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी कर नहीं सकते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग लेके जो है वो टीका लगा रहे थे, तो यहाँ पे सब चढ़ाते हैं सिंदूर वगैरह। तो निधिवन में इस तरीके से लगा रखे हैं चारों तरफ, जिससे कि बंदर पहले बहुत थे, हर चीज़ लेके चले जाते थे एंड फ्रूट ही यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद ही वो आपको कुछ चीज़ वापस करते हैं। वृंदावन की राम रज, चित्रकूट की धूल, और ये उन्मस्तक लगे पाप हो जाए सब दूर। यही वो रज है जो कन्हैया ने खाकर मैया को 3 लोक 14 वन ब्रह्मांड मुख में दिखलाया। यही वो रज है जो सबकी मुक्ति करते हैं, मरने के समय सबको इसी में मिलना होता है, चाहे यहाँ की हो चाहे घर की हो, रज रजी होती है। ये मुक्ति भगवान कृष्ण ने देती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रजराज जब और मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। कहती है रोज मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरा काम सबको इस संसार से मुक्त करना है, पर हे प्रभु सबकी मुक्ति करते करते मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी, क्या मैं ऐसी पड़ी रहूँगी। भगवान कहते हैं कि जब ब्रज की रज उड़ के जब मस्तक को लगेगी तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी। वो क्यों ऐसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षात विष्णु भगवान ने विष्णु का अवतार लेके जाने अनजाने क्या कहाँ चरण रखे हो, कहाँ जाने अनजाने में क्या चरण पड़े हो, कहाँ जाने अनजाने में आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाए। तो इस रज को थोड़ा मस्तक से लगाते हैं, मुखना खाते हो, वैसे लोग घर ले जाते हैं, ले जाके इधर नहीं डालते। अगर आपको यह तुलसी का पौधा होगा जरूर ले जाना, तो तुलसी में गमले में डाल देते हैं। जो हम रोज भगवान को नहाते हैं, अभिषेक करते हैं, उसका जल डालते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, शुद्ध होती रहती है। भाई देवे बच्चे से लगा के बड़े बूढ़े किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी हरी बीमारी होती है, ऐसा समय आ जाए दवा वगैरह नहीं होती है। मन में अगर प्रभु के लिए नेत्र भाव की सुविधा है, भगवान का नाम लेके लगाएंगे, दवा से बढ़कर काम करें। तो जब जब आते हैं रास्ता यहाँ से लेते हैं, प्रसाद बना भगवान के घर से, जान कर भी अनजान बन जाते हैं। जब चले जाए जाने के आए, प्रभु ने क्या सक्षम बना कर भेजा, आप जो मुझे जाने के आए हो, कुछ हो के तो कुछ पाओ। जब तक बीज के साथ बीज नहीं होता, ये नहीं होती है। जो आपको माता पिता ने बोला वो आपको मिला, आप जो हो भेजा वही बच्चों के लिए, वही बच्चों को भेजा, सारे अपना काम आए। तो
तो गाइस जैसे आप लोगों ने सुना होगा ब्रज की धूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप लोग अपने घर पे ज़रूर लेके आइए अगर आप लोग वहाँ पे जाते हो तो। तो यहाँ पे मैंने भी ले ली थी, सबने ले ली थी। यानी ऐसा कहते हैं कि आप लोग इसको तुलसी के पौधे में डालिए, आपके घर में शांति रहती है, कोई भी निगेटिविटी नहीं रहती है। तो हम लोग ने ले ली थी एंड अपने माथे पर लगा ली थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं निधिवन के बाहर। तो ये है एग्ज़िट गेट एंड मैं आपको एक व्यू दे रही हूँ पूरा इस तरीके का 360। तो किस तरीके का है ये पूरा, ये बंसीवट का वृक्ष है। जब यहाँ गाय चराने भगवान आते थे, जब गाय लंबी चली जाती थी तो भगवान पेड़ पर बैठ के बंसी में जाते थे, बंसी की आवाज़ सुनकर गाय भगी चली जाती थी, नाम पड़ा बंसीवट। ये गिरिराज जी की शिला है, जो गिरिराज जी नहीं जा सकते हैं, यहाँ की चार परिक्रमा लगाते हैं, उनको एक गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। बगल में पेड़ में से हाथ निकला हुआ है, जिस समय भगवान मक्खन की चोरी करके खा रहे थे। इधर आइए, भगवान भैया ने वाले का बेटा खनिया था, भगवान ने पेड़ में से हाथ निकाल दिया। पहले ये छोटा सा हाथ जो देख रहे हो ना, ये पहले मक्खन का था, जैसे अल्लाई पत्थर की हो गई ना ये वाला, जैसे अल्लाई पत्थर की हो गई ना ये वाला हाथ, ये इसमें कलयुग में पत्थर का हो गया, पहले मक्खन का था पत्थर का हो गया। बोलो बंदा नरी लाल की जय। तो कोई कामना तो अपने हाथ मिला के करते हैं, कुछ भगवान के पास करते हैं, जैसा ये कामना बनी हुए बोल के जाओ, और एक दो प्रक्रमा इसकी पहले कर लो, दो प्रक्रमा बाद में करना, खड़े हो राधे राधे बोल के, राधे राधे। हाँ चलो राधे श्याम राधे श्याम। ये है बलदाव जी का मंदिर, अंकल सब कुछ बता रहे हैं हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे अगर आप दो परिक्रमा करते हो तो आपको गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा फल मिलता है, चार परिक्रमा करने से आपको एक परिक्रमा का फल मिलता है। गाइज जब भी आपको कुछ भी चीज़ मांगनी होती है तो आप यहाँ आके अर्जी लगा सकते हो। तो आप लोग जैसे कि देख रहे होगे यहाँ पे पूरे मतलब फ्लोर पे वॉल पे हर जगह जो है वो जैसे कि जो पत्थर की जो होती है शिला टाइप की वो इस तरीके से लगी हुई है, जिस जिसकी मुरादें पूरी हुई हैं उन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा रखा है। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ गोलगप्पे एंड मैं आ गई थी वहाँ से। सो गाइज हम लोग यहाँ पे रुके हैं इडली डोसा खाने के लिए, इन लोगों को भूख लग रही थी एंड लड्डू को स्पेशली, एंड ये आंटी बहुत ही सही खाना देती हैं एंड 20-30 रुपए में डोसा और 20 रुपए की इडली एक प्लेट, तो वही हम लोग खा रहे हैं। तो ये आंटी हैं बहुत ही स्वीट सी हैं, ये बनाती हैं राधे राधे राधे। तो ये हम लोग इनके यहाँ बैठे हैं, हम खाना खा के उसके बाद हम लोग जाएंगे घर को। क्या खा रही हो बाबू? सुनो तो क्या खा रही हो? मैं खा रही हूँ इडली, बता दो। मैं खा रही हूँ इडली। अरे यार इडली, लड्डू पड्डू खा रही है। लड्डू पड्डू क्या खा रही है? गाइज ये है इडली सांभर एंड चटनी आंटी ने दी थी, बहुत ही यम्मी थी, मतलब इतनी टेस्टी, इतने कम प्राइस में आपको पूरे वृंदावन में कहीं नहीं मिलेगा। एंड ये वाला डोसा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में है, मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ था मसाला डोसा 30 रुपीज़ में भी मिल सकता है। तो एक्चुअली इनका जो है वो पूरा मेन्यू था ये, एंड आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। जैसे ही आप निधिवन में एंटर करते हो उस गली से तो आपको वहाँ से सिर्फ राइट मुड़ जाना है, ये शॉप आपको मिल जाएगी। पसंद नहीं है तुम्हारी तो ऐसी की तैसी पसंद नहीं है, करो आंटी की शॉप पे आना, बहुत अच्छी शॉप है। बोलो पैसे का गिरने को डरो, बोलो बोलो, बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा खाना देती है। गाइस ये निधिवन के पास एक शॉप है आंटी की, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हो, मैं आपको जो है एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये बिल्कुल निधिवन के जस्ट पास में ही है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ही टेस्टी डोसा और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा।
आंटी भी बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यार से खिलाती हैं। तो ये साउथ इंडियन है एक तरीके से, सारा कुछ साउथ इंडियन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। तो चलिए गाइज, ये थी शॉप। तो यहाँ से मम्मी कुछ देख रही थी एंड सामने जो है वो इस तरीके की कपड़ों की शॉप थी, तो हमने ले लिया था ई रिक्शा, वहाँ से हम लोगों को मिल गया था लौटते टाइम। एंड आप लोग देख सकते हो एकादशी पे यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोग कोई रिक्शे से लगाता है, कोई पैदल लगाता है, कोई दंडवत लगाता है, जैसे कि एक गुट्टी ले लेते हैं एंड लेट लेट के लगाते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भक्ति है लोगों के अंदर, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे अब घर को, तो घर पे मिलती हूँ मैं आपसे। बाबू कहाँ जा रही हो? इधर मुंह दिखाओ अपना। देखे आप लड्डू कहाँ जा रही हो? कितनी सुंदर है, देख लो। ये कहाँ जा रही हो? पार्टी जा रही हूँ। कहाँ पे? किसकी पार्टी? और ये लाइक देख लिए। बाबू आप कह दो ना, एक लाइक बनता है। मम्मी पापा को प्यार करते हो तो एक लाइक कीजिए, बटन दबा दे और लाइक कीजिए। मम्मी पापा को प्यार करते हो तो लाइक कीजिए, बटन दबा दे। गाइस हम लोग आ गए हैं घर, घूम घाम के थक गए हैं सब लोग। ये मम्मी लेटी हैं, इनके शक्ल देख लो, मौसी चाय बना रही हैं और वंशिका बैठी है। ये वंशिका देखो, मम्मी थोड़े दिन थक जाती हैं। लड्डू जा रही है पार्टी में। और लड्डू जा रही है पार्टी में। लड्डू कहाँ गई? ये देखो बाहर गई, गई पार्टी में। लड्डू बंदर को मत आना पार्टी में जाते जाते। दिन में 10 बार पार्टी होती है उनकी, 10 बार जाती है, कुछ भी मिलेगा वही ओढ़ के चल देगी, पार्टी में जा रही है। अगर मम्मी पापा को प्यार करते हो तो लाइक कीजिए, बटन दबाइए, लाइक कीजिए। राधे राधे, चली जाती है। वीडियोस देख देख के ही सीख गई है। तो चलिए हम लोग गाइस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मम्मी चाय पियेंगी, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो इनका आज फास्ट है एकादशी का, इसीलिए वहाँ पे कुछ ज्यादा भीड़ हो रही थी। मौसी बना रही है चाय, हम लोग का फास्ट नहीं है, मम्मी केवल मम्मी का ही फास्ट है। तो ये अभी मौसा जी अभी परिक्रमा करके आए, हम लोग जाएंगे शाम को। तो आपको शाम की वीडियोस में मैं दिखाऊंगी परिक्रमा का पूरा, मतलब पूरा व्यू दूंगी कि एकादशी को किस तरह से परिक्रमा होती है वृंदावन में। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।